दीपावली, भैयादूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ के शुभ अवसर पर मेरे ओर से विश्रामपुर विधानसभा के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जिस गेंदबाज को खालिस्तानी कहकर लोगों ने चिढ़ाया, उसने आज पाकिस्तान के बल्लेबाजी ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। हर्षदीप ने आज कमाल दिखाया, उसे क्रिकेट प्रसंगों ने काफी बदनाम किया था। जिस अर्शदीप को एशिया कप में एक कैच छोड़ने के लिए खालिस्तानी कहकर ट्रोल किया गया था, आज उसी अर्शदीप की गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तहस नहस हो गया। मैच के दूसरे ओवर में भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बाबर आजम को LBW आउट कर दिया। हालांकि LBW के खिलाफ बाबर आजम ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ निराशा और पाकिस्तानी टीम के कप्तान अपनी पहली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अर्शदीप की गेंदबाजी के कहर से अभी पाकिस्तान उबर पाता, इससे पहले ही अर्शदीप ने चौथे ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को अपनी गेंदबाजी में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अर्शदीप के बाउंसर फेंकते ही रिजवान भुवनेश्वर कुमार को कैच थमा पवेलियन लौट गए। इसके बाद 16वें ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली अर्शदीप की गेंद पर दिनेश कार्तिक को कैच थमा पवेलियन निकल लिए। अर्शदीप ने आज 16वें ओवर में जिस आसिफ अली को कैच आउट कर पवेलियन भेजा था, एशिया कप 2022 में उसी आसिफ अली का कैच छोड़ने पर अर्शदीप को खालिस्तानी कह सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। एशिया कप में जिस समय अर्शदीप ने आसिफ का कैच छोड़ा था, उस समय आसिफ का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन बाद में इसी जीवन दान का फायदा उठाकर आसिफ ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाए और पाकिस्तान की जीत लगभग तय कर दी। आज अर्शदीप की धुआंधार गेंदबाजी से न केवल पाकिस्तानी बल्लेबाज घुटने पर आ गए, बल्कि उन तमाम ट्रोलर्स के मुंह पर भी तगड़ा तमाचा पड़ गया जो खेल भावना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।